कुछ कुछ होता है, बाजीगर और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में नजर आने वाली 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री काजोल एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो ज्यादातर कई सितारों के लिए लकी साबित हुई हैं। इसीलिए तो ज्यादातर सितारे, चाहे वो अभिनेता हो या अभिनेत्री, सब इनके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी के लिए लकी साबित होने वाली अभिनेत्री काजोल के लिए 4 एक्ट्रेस अनलकी साबित हुई हैं, जिनकी वजह से काजोल को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता होगा। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वो कौन सी बॉलीवुड की 4 एक्ट्रेसेस हैं जो काजोल के लिए अनलकी साबित हुई हैं। तो चलिए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1 पर है तब्बू। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री तब्बू का, जिन्होंने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इनकी वजह से काजोल के हाथों से कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले गए थे, जिसके चलते काजोल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि काजोल के लिए तब्बू अनलकी रही थी। नंबर 2 पर है सोनम कपूर। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सोनम कपूर काजोल के लिए अनलकी साबित हुई थी, क्योंकि जहां काजोल ने बड़ी मेहनत से और काफी सालों में लाखों की फैन फॉलोइंग हासिल की थी, मगर सोनम कपूर ने चंद दिनों में ही काजोल से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग हासिल कर ली थी, जिसके चलते काजोल की पॉपुलैरिटी पर काफी असर पड़ा था। नंबर 3 पर है करीना कपूर। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी काजोल के लिए हमेशा से अनलकी साबित हुई हैं, क्योंकि जिस भी फिल्म में ये काजोल के साथ नजर आती थी, उस फिल्म में काजोल से ज्यादा अहमियत इन्हें दी जाती थी, जिसकी वजह से काजोल को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। नंबर 4 पर है रानी मुखर्जी। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी का, जो कि काजोल के लिए बहुत ही ज्यादा अनलकी साबित हुई हैं, क्योंकि इनकी वजह से काजोल के करियर पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। जहां आपको बता दें कि ज्यादातर यशराज फिल्म प्रोडक्शंस में यशराज जी काजोल को ही कास्ट करते थे और करना भी चाहते थे, मगर रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा यानी यशराज के बेटे को रानी मुखर्जी को ही अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहते थे, जिसके चलते ज्यादातर यशराज फिल्म्स में काजोल की जगह रानी मुखर्जी होती थी, जिसकी वजह से काजोल के करियर पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।